थोड़ा रियाज और कर लेंगे और फास्ट करेंगे तो समझत नाही कैसे बताऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, मन थोड़े किस विधि मैं समझाऊं, मन थोड़े किस विधि मैं समझाऊं, समझत नाही कैसे बताऊं। नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। मारवा राग, मारवा अपने आप में थाट भी है। आज मारवा राग पे आधारित मारवा राग का छोटा ख्याल सुपर बंदिश। सुपर बंदिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़बरदस्त गायकी रियाज होगा इस बंदिश से। और पहला चीज़ जो आप देख रहे हैं यूनिक इसलिए है, ये राग रियाज का चीज़ है कि जनरली जब हारमोनियम पे हाथ रखा जाता है तो तीन स्वर का कॉर्ड लिया जाता है। आप इसमें आप देख रहे हैं कि दो ही नोट में दबाया हुआ हूँ, सा का प टच नहीं किया, क्योंकि मारवा में प नोट का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल वर्जित। पहली बात यह है, मारवा थाट अपने आप में थाट है, वहीं से ये इस राग की उत्पत्ति है। इस राग में रे स्वर कोमल और म तीव्र लगते हैं। ओके, रे कोमल है, म तीव्र है, पंचम प का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इस राग की जाति शाडव शाडव है। आरोह में निषाद स्वर अनेक बार जब गायकी की बात होती है तो उसको वक्र रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इसका गायन समय जो है दिन का अंतिम प्रहर है। बाकी डिटेल आप गूगल पे जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं मारवा राग के विषय। आरोह अवरोह देखेंगे, उसके बाद बंदिश देखेंगे। बंदिश की खासियत ये है, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये जो ऊपर आप लाइन देख रहे हैं ये चार लाइन अस्थाई का लाइन है, एक्चुअली ये दो ही लाइन है। मैंने हर एक लाइन में एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है गायकी अंदाज में। ऊपर वाला लाइन जो है जब आपको मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे पहला बार जो गाएंगे तो सिंपल साधारण तरीका से, सेकेंड टाइम उसी लाइन को गाएंगे तो गायकी अंदाज में कैसे कन्वर्ट करना है। सेकेंड लाइन में भी ऐसी है, पहला लाइन ही है, दो लाइन मैंने बनाया इसका, पहला सिंपल और दूसरा गायकी के साथ। सेकेंड लाइन अस्थाई में चलेंगे तो पहला सिंपल है और सेकेंड लाइन जो है उसमें गायकी डाला हुआ है, यहाँ जो देख रहे हैं अभी बताने वाला हूँ। अंतरा के अंदर पहला लाइन सिंपल है और सेकेंड लाइन जो है उसमें गायकी डाला हुआ है, तो ये कमाल का रियाज आपका हो सकता है इस बंदिश के साथ। तो मारवा के इस बंदिश को हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे, हम लोग अभी नोटेशन के साथ सीखने वाले हैं। पहले सीखेंगे आरोह अवरोह पकड़ और फिर बंदिश का लाइन। ओके, इतना बताने के बाद फिर आगे की चर्चा होगी कि आलाप तान इसको कैसे करना है। एक बात मैं बताने वाला हूँ फिर आगे डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर मैं डोनेशन भेजना चाहता हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो तीन ऑप्शन आपके पास है। एक तो नीचे देखिएगा ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करके पर मंथ मिनिमम अमाउंट डोनेशन के रूप में दे सकते हैं, ज़रूर ज्वाइन करें। स्पेशल थैंक्स का बटन होगा जिसको क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हेल्प मुझे आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन की डोनेशन देके मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, फ़ोनपे गूगल पे व्हाट्सएप नंबर भी है, तो ये से भी कर सकते हैं आप। तो आपकी अगर इच्छा हो तो अलग अलग तरीका से कोई भी तरीका सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे हेल्प करने के लिए, मैं तो आपका हेल्प करते ही रहता हूँ। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहले आरोह अवरोह और फिर पकड़, सी शार्प में बता रहा हूं, आप अपने स्केल में रियाज कर सकते हैं। ओके, नी रे गा मा धा नी रे सा रे में कर लें। धामा गरे सा
करने के बाद बंदिश के तरफ चलेंगे। बंदिश को थोड़ा सा तरीका से समझ के आपको रियाज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि लाइन साधारण भी है और उसी को गायकी अंदाज में भी कन्वर्ट किया गया है। तीन ताल की बंदिश है, मध्य लय तीन ताल में, चार लाइन मात्र है, चार लाइन को ही अलग अलग तरीका से गाना है। जो लिरिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं, अस्थाई में हैं। मन तोहे किस विधि मैं समझाऊं, मन तोहे किस विधि मैं समझाऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, सोना होए सुहाग मनाऊं, सोना होए सुहाग मनाऊं, बंक लाल रख लाऊं। तो ये लाइन है, इसको किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, अब इस तरफ बढ़ते हैं। एक एक लाइन नोटेशन के साथ, एक एक लेटर बाय लेटर आपके स्क्रीन पे भी है। पहले सरगम में गाएंगे। पहला लाइन, नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे ग रे सा, नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे ग रे सा, करना चाहते हैं तो सा और गौ इस नोट को दबा के आप इस लाइन को गा सकते हैं। नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे ग रे सा, नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे ग रे सा। ओके, इसमें ये साधारण नोटेशन है, इसमें आपको लाइन सेट करना है। मन तो है किस विधि मैं समझाऊं, मन तो है किस विधि मैं समझाऊं। तैयार हो जाए, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे सा, मन तो है किस विधि मैं समझाऊं। नौवीं मात्रा से शुरू है बंदिश। मैं जो आता है, मन तो है किस विधि मैं, तो ये सम पे आता है। मन तो है किस विधि मैं, तो यहां से स्टार्ट है। ओके, इसी लाइन को दोबारा जब अभी जो गाने वाले हैं तो उसमें एक जगह गायकी लगा हुआ है लास्ट विभाग में, वो कैसे है पहले नोटेशन देखिए। नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे ग म ध म ग रे सा, रे ग म ध म ग रे सा, ये पार्ट इसके अंदर एड हो जाएगा लिरिक्स के साथ। अच्छा, ये जो आया है रे ग म ध म ग रे सा, सुलो में तैयार कर लीजिएगा, यहाँ जब आइएगा तो ये फास्ट हो जाएगा। रे ग म ध म ग रे सा, रे ग म ध म ग रे सा, बाकी का लाइन अस्थाई में चलेगा और ये डबल हो जाएगा। ओके, कैसे होगा? नी रे सा सा ग म ध म ध ध म ग रे ग म ध म ग रे सा, लिरिक्स के साथ। मन तो है किस विधि मैं समझाऊं, झाऊं झाऊं, लय में लाएंगे तो मन तो है किस विधि मैं समझाऊं झाऊं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस तरीके का रियाज करेंगे तो ये जो पार्ट है चार मात्रा, यहाँ इस चार मात्रा में अलग अलग वेरिएशन आप बना सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल सिंगर क्लासिकल सिंगर गाते हैं। मन तो है किस विधि मैं समझाऊं,
मन तोहे किस विधि मैं समझाऊं, मन तोहे किस विधि मैं समझाऊं। तो अलग अलग टाइप बन सकता है। फिलहाल अभी ये छोटा सा जो मैं नोटेशन दिया हूँ इसको करेंगे। मन तोहे किस विधि मैं समझाऊं, झाऊं, सिंपल था, झाऊं, पहला लाइन में उसी को झाऊं, ये हो गया। सेकेंड लाइन में चलेंगे, पहले नोटेशन, नी रे ग म ध ध म ध रे सा नी ध म ग रे सा। पहला लाइन में चार लाइन की गायकी थी, सेकेंड लाइन में पहला लाइन में चार मात्रे की गायकी थी, सेकेंड लाइन में आठ मात्रे की गायकी है, उसको देखेंगे। पहले साधारण देखिए, नी रे ग म ध ध म ध रे सा नी ध म ग रे सा बिना बजाए हुए भी कर सकते हैं। नी रे ग म ध ध म ध रे सा नी ध म ग रे सा, पकड़ हो तो जरूर करना चाहिए बिना बजाए। ओके, लिरिक्स के साथ, समझत नाही कैसे बताऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, थोड़ा तेज, समझत नाही कैसे बताऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, मन तोहे किस विधि मैं समझाऊं। अब ये जो लाइन है, समझत नाही कैसे बताऊं, इसमें गायकी कैसे डालेंगे, नोटेशन के साथ देखिए। पहले नोटेशन देखिए, नी रे ग म ध ध म ध, यहाँ तक सिंपल आए, नी रे ग म ध ध म ध। अब गायकी क्या है, रे सा ग रे सा नी ध म ग म नी ध म ग रे सा। बहुत कमाल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरा बनाया हुआ एडिशन ये, रे सा ग रे सा नी ध म ग म नी ध म ग रे सा। कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रे सा ग रे रे सा ग रे सा नी ध म ग म नी ध म ग रे सा। लिरिक्स के साथ देखेंगे, समझत नाही कैसे म कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, रे सा ग रे सा नी ध म ग म नी ध म ग रे सा, कैसे बताऊं। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा लय में लाएंगे, जब कमाल का हो जाएगा। समझत नाही कैसे बताऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, थोड़ा रियाज और कर लेंगे, और फास्ट करेंगे तो, समझत नाही कैसे बताऊं, समझत नाही कैसे बताऊं, मन तोरे किस विधि मैं समझाऊं, मन तोरे किस विधि मैं समझाऊं, समझत नाही कैसे बताऊं। ऐसे कर सकते, जल्दी जल्दी में दो और लाइन, ये दोनों अस्थाई का लाइन था, अंतरा का लाइन। पहले नोटेशन, ग ग म ध सा 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 रे रे सा नी रे रे सा सा, फिर से, ग ग म ध सा 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 रे रे सा नी रे रे सा सा। लिरिक्स है, सोना
हो यीशु सोना हो सुहाग मनाओ। फिर से देखिए, सोना हो सुहाग मनाओ, सोना हो सुहाग मनाओ। आ जाएगा, सिंपल है। लास्ट लाइन जिसमें गायकी है वो देखिए, नीरे निधा नीरे निधा धमा गा, तीन बार धा है तो ध्यान रखिए, नीरे निधा धमा गा, या तीन बार नहीं आ रहा है ये ऐसा तो तीन बार दबा लीजिए, नीरे निधा धमा गा, बीच में ध को बोलना नहीं है, स्किप कर देना, नीरे निधा धमा गा गमदनी सानी धमा गमा धमा गरे सा, ये एक तान की तरह है, इसका अलग से रियाज, गमधनी सानी धमा गमा धमा गरे सा, गमधनी सानी धमा गमा धमा गरे सा। फिर से देखिए, नीरे यहाँ से नीरे निधा धमा गा गमधनी सानी धमा गमा धमा गरे सा। लिरिक्स में बंक लाल रस लाऊं, गमधनी सानी धमा गमा धमा गरे सा लाऊं। फास्ट करेंगे तो बंक लाल रस लाऊं इस हिसाब से पहले इस बंदिश की तैयारी करें, कमेंट करें, जो मैसेज दिया हूं उसका ध्यान रखें, और आने वाले दिनों में अलाप और तान का वीडियो भी अपलोड करूंगा। थैंक यू।